हैंडमेड इन राजस्थान को दुनिया में पहचान और सम्मान दिलाने के मकसद से खादी बोर्ड और राजस्थान सरकार ने प्रसाद बिदापा एसोसिएट के सहयोग से राजस्थान हेरिटेज वीक का आयोजन किया जाएगा। 3 से 5 दिसंबर तक चलने वाले हेरिटेज वीक के तहत फैशन समारोह में पारंपरिक परिधानों की आधुनिक लग्जरी और खूबसूरती को पेश किया जाएगा। हैंडमेड इन राजस्थान को दुनिया में पहचान और सम्मान दिलाने के मकसद से खादी बोर्ड और राजस्थान सरकार ने प्रसाद बिदापा एसोसिएट के सहयोग से राजस्थान हेरिटेज वीक का आयोजन किया जाएगा। 3 से 5 दिसंबर तक चलने वाले हेरिटेज वीक के तहत फैशन समारोह में पारंपरिक परिधानों की आधुनिक लग्जरी और खूबसूरती को पेश किया जाएगा। इस मौके पर MSME के प्रमुख शासन सचिव राजीव स्वरूप ने बताया कि हैंडमेड इन राजस्थान को अधिक लोकप्रिय बनाने के मकसद से देश विदेश के ख्यातिनाम डिजाइनरों को बुनकरों के साथ मिलकर काम करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि जाने माने फैशन डिजाइनर पिछले कई सप्ताह से शिल्पियों के साथ कड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि प्रोडक्ट और डिजाइन के विकास के साथ साथ कुछ नयापन दे सकें। ऐसे प्रोडक्ट बाजार की मौजूदा मांगों को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि देश में ये अपनी किस्म का पहला प्रयास है। इस दौरान कार्यक्रम के परिणाम फैशन की दुनिया के सामने रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान हेरिटेज वीक एक सालाना आयोजन होगा। इस बीच स्थानीय और अन्य डिजाइनर पूरे साल खास परियोजनाओं पर काम करते रहेंगे। Ahmedabad's Mr. India 2012 for Rajasthan Heritage Week. महीनों और सप्ताहों के परिश्रम के पश्चात उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। बेसिकली राजस्थान की जो टेक्सटाइल्स हैं, खादी, हैंडलूम, बहुत देश विदेश में फेमस तो हैं, लेकिन जो कमर्शियल मिलमेड क्लॉथ आ रहा है उसकी तुलना में इनका प्रोडक्शन कम हो गया, जिसका असर हमारे वीवर्स और आर्टिजन्स पर हुआ है। तो राजस्थान के ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स को विकास की मुख्य धारा में पुनः लाने के लिए, जिससे कि हमारे वीवर्स और आर्टिजन्स जिनका लाइवलीहुड इस पर निर्भर है, उनके विकास के लिए एक ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, राजस्थान हेरिटेज टेक्सटाइल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट।